हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। रेखा जी की बात सुनकर उस कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तभी प्रेम जी ने कृष्ण जी की तरफ देखते हुए कहा, पर अनु कैसे संभालेगी सब? और इससे पहले कोई कुछ बोलता ऋषि एकदम से बोल पड़ा, अनु तो अभी बहुत छोटी है, उसकी उम्र ही क्या है अभी, मैं अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता, सॉरी अंकल। पर इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, प्रेमलता जी गुस्से से उबलते हुए बोल पड़ी, अरे पता नहीं क्या हो गया है इस घर में सब लोगों को, तुम सबको इस खानदान की इज्जत की परवाह है या नहीं? अरे चौखट पर बारात खड़ी है, वो तो भला हो समधी जी का जो हमें अपनी नाक बचाने का मौका दे रहे हैं, और तुम लोग लगे हुए हो एक दूसरे से ही, तुम्हारे दादा होते तो अभी यहीं अपनी जान दे देते। अरे भगवान, ऐसे दिन देखने से पहले तो उठा ही लेता तू मुझे। और ये बोलते हुए वो एकदम से लड़खड़ाने को हुई तो राधिका जी ने उन्हें पकड़ लिया। तभी अन्वीक्षा ने तेज आवाज में कहा, दादी साहब अगर दादा साहब ही होते तो कम से कम वो हमें यूं किसी अजनबी के साथ बंधन में बंधने को ना कहते। अरे शादी दीदी की थी, भागी दीदी है, तो इसमें हम क्या करें, हमारी क्या गलती है? कोई हमसे भी तो पूछो कि हम क्या चाहते हैं, हमें नहीं करनी है शादी, नहीं बनना एक ऐसे इंसान के साथ जिसका नाम तक हमें नहीं पता, हमारे भी कुछ सपने हैं, हम यूं ही उन्हें छोड़ नहीं सकते, बाबा साहब हम किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं करेंगे। और ये कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज़ में गुस्सा और दुख बखूबी झलक रहा था, जो उस कमरे में खड़े हर शख्स को महसूस हुआ। पूरे कमरे में शांति फैल गई कि तभी कृष्ण जी अन्वीक्षा के सामने आए और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोले, अरे हमारी अनु इतनी बड़ी कब हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला, अभी कल तक तो हमारी गोद में खेलती थी और इसकी गुड़िया की शादी में हम सब बराती बनते थे, तुम्हें याद है रेखा कैसे रोती थी हमारे पास आकर, कहती थी कि अंकल हमें आप अपनी बेटी बना लीजिए, हमें अपने बाबा साहब की बेटी नहीं बनना, और अब देखो हमसे ही नज़रें फेर रही है। और ये कहते हुए उनके लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी आ गई। वहीं कृष्ण जी की ये बात सुनकर अन्वीक्षा की आंखों से आंसू बह पड़े। रेखा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेटा कि इस वक्त तुम कैसा महसूस कर रही हो, पर क्या करें, समाज की यही रीत है, हम तो लड़के वाले हैं, हमारी इज्जत पर कुछ आँच नहीं आएगी, पर तुम्हारे बाबा साहब की चौखट से अगर बारात लौटी तो ये समाज उन्हें जीने नहीं देगा, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, पर अगर तुम मेरी बहू बनकर आओगी तो सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दूंगी तुम्हें, बाकी फैसला तुम्हारा है बेटा। और ये कहकर वे दोनों पीछे हो गए। अब अन्वीक्षा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, वो तो अपनी बहन की शादी में खुशियां मनाने आई थी, ये सब तो उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था, वो अपने इन ख्यालों में ही थी कि तभी अपने बाबा साहब की आवाज़ से वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई तो उसने देखा कि प्रेम जी उसके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े थे। ये पहली बार था जब उसने अपने बाबा साहब की आंखों में आंसू देखे थे। उसने उनके दोनों हाथों को पकड़कर नीचे करते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, बाबा साहब ये आप क्या कर रहे हैं? और अपने हाथों से उनके आंसू को वो पोंछने लगी तो प्रेम जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा लोग कहते हैं कि बेटियां बाप की इज्जत होती है, और आज ये बाप अपनी बेटी से उसकी इज्जत बचाने की भीख मांग रहा है, अगर आज ये बारात यहाँ से वापस लौटी तो आपके बाबा साहब जी नहीं पाएंगे अनु, नहीं जी पाएंगे। और ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे। अपने बाबा साहब की ऐसी हालत देख अन्वीक्षा भी उनके सीने से लग रोने लगी और उसने रोनी सी आवाज़ में कहा, बाबा साहब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, हम कौन होते हैं आपको भीख देने वाले, अरे आप तो हमारे बाबा हैं, हमारे ईश्वर, ऐसी बातें कर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए सीधी खड़ी हुई और प्रेम जी से मुस्कुराते हुए कहा, हम करेंगे ये शादी, आप चिंता मत कीजिए बाबा साहब, चलिए जल्दी से मुस्कुराइए अब। और ये कहते हुए उसने अपने पिता को मुस्कुराने का इशारा किया।
वहीं उसकी ये बात सुन कमरे में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली और प्रेम जी ने प्यार से अनु का सिर सहलाते हुए कहा, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बेटा, और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। इस बात पर अनवीक्षा बस हल्का सा मुस्कुरा दी। वहीं दूर खड़ी राधिका जी, जो अब तक चुप थी, अपने मन ही मन बोली, हे ईश्वर, मेरी एक बेटी के कर्मों की सजा दूसरी बेटी को क्यों? जो मेरे साथ हुआ वो अब इसके साथ भी, ये बुरी किस्मत कब हमारा पीछा छोड़ेगी? और ये सब सोचते हुए उनकी आंखों में नमी दोबारा तैर गई। तभी रेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर, जल्दी से हमारी बहू को तैयार कर नीचे ले आइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और ये कह वो कृष्ण जी के साथ नीचे चली गई। उनके जाते ही प्रेमलता जी, जो अब तक बीमारों की तरह बिस्तर पर बैठी थी, प्रेम जी की तरफ देखते हुए बोली, चल अब नीचे, बहुत नाटक हो गया। अरे जो रिश्तेदार आए हैं उनकी भी तो खातिरदारी करनी है या नहीं? मैं ना हूँ तो एक पत्ता ना हिले इस घर का। और ये कहते हुए उनकी आवाज़ में खुन्नस बखूबी झलक रही थी। तो प्रेम जी उनके साथ चलने को हुए तो प्रेमलता जी ने अपना चेहरा ऋषि की तरफ किया और एक व्यंगात्मक अंदाज में कहा, छोरे थाने के अलग से कहूँ अब मैं? अरे बहन का ब्याह है, कुछ काम देखेगा या नहीं? ये सुन ना चाहते हुए भी ऋषि ने कहा, हाँ आया दादी सा। और फिर उसने जाते हुए अनु की आंखों में देखा जैसे वो कुछ जानना चाह रहा हो। तो उसके जवाब में अनु ने अपनी पलकें झपका दी तो वो उन दोनों के साथ चला गया। उन तीनों के जाते ही अनवीक्षा ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो नम आँखों से उसे ही देख रही थी। वो भागकर अपनी माँ के गले लग गई। राधिका जी ने हल्की आवाज़ में कहा, पता नहीं क्यों हर बार हम लड़कियों को ही अपने परिवार के लिए अपने सपनों की आहुति देनी पड़ती है। फिर उन्होंने मन ही मन कहा, ना हम खुद को बचा पाए और ना तुम्हें, क्यों किया ऐसा ईश्वर ने? ये कहते हुए उनके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। तभी अपनी माँ को इस तरह देख अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, कान्हा जी है ना, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन अपने मन ही मन वो भी कम नहीं घबरा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन दोनों ने उस ओर देखा तो कुछ लोग खड़े थे जो अनवीक्षा को दुल्हन के रूप में सजाने आए थे। लाल रंग का जोड़ा देख उसकी आंखें नम हो गई और उसने मन ही मन कहा, कान्हा जी मैंने अपने परिवार की इज्जत रख अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आप मेरे स्वाभिमान की रक्षा कर अपना कर्तव्य पूरा करना। और अपने दिल पर पत्थर रख तैयार होने चली गई। वहीं दूसरी ओर उस शोरगुल से दूर कृष्ण जी और रेखा जी अपने बेटे हृदयान को सारा घटनाक्रम बता रहे थे। हृदयान अपने चेहरे पर गंभीरता लिए उनकी बातों को सुन रहा था और उनकी बातों को सुनकर उसने जो जवाब दिया उसे सुन वो दोनों ही हैरान रह गए। आपको क्या लगता है ऐसा क्या कहा होगा हृदयान ने? क्या ये शादी हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।